खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के गंगेव जनपद पंचायत अंतर्गत संचालित गौशाला जो ग्राम पंचायत द्वारा संचालित कराई जा रही है, उसमें फर्जीवाड़ा होने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया है कि उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग एवं जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से निलंबित सचिव हीरालाल के हस्तांतर करवाकर गौशाला का संचालन कागजों पर करवाया जा रहा है। जबकि यहां नजदीक के गांव के श्रमिक भी यही बताते हैं कि वह पंचायत के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जिला पंचायत के अधिकारियों की सरपरस्ती में गौशाला संचालन का कार्य कागजों पर किसी गंगेव की एग्रो फार्मा लिमिटेड कंपनी को दे दिया गया है, जिसका संचालन शिव चरण तिवारी नामक व्यक्ति कर रहे हैं, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच और सचिवों को फोन कर लगभग 2.25 लाख राशि जिला सीईओ के माध्यम से स्वीकृत करवा लिए हैं जो उनको चाहिए, और अब स्वीकृत राशि सचिव उनको दे दें। इस मामले में सरपंच और सचिव ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है। तो वहीं समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने गौशाला संचालन में हुए फर्जीवाड़ा की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई जून 2022 में गौशाला संचालक का कॉन्ट्रैक्ट एग्रो फार्मा कंपनी लिमिटेड को दिया गया है, लेकिन गौरतलब है कि मई से लेकर जुलाई अंत तक गौशाला में एक भी मवेशी नहीं थे, क्योंकि इस समय खेती किसानी का काम न होने से मवेशी एरा छोड़ दिए जाते हैं। तो सवाल यह भी है कि जिस समय अंतराल के लिए 2.25 लाख रुपए की राशि शिव चरण तिवारी संचालक एग्रो फार्मा कंपनी लिमिटेड गंगेव के द्वारा प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय ग्राम पंचायत हिनौती से मांग की है, वह किस बाबत की है? सचिव ग्राम पंचायत हिनौती का कार्यभार देख रहा हूँ। अभी आज शिव चरण तिवारी जी का फोन आया था, जिन्होंने कहा कि मई जून जुलाई से लेकर आज तक गौशाला संचालन का काम मेरे द्वारा एग्रो फार्मा कंपनी मनगमा द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई आदेश मिला था कि इनके द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच श्रीमती सिंह एवं पूर्व सेक्रेटरी हीरालाल साकेत द्वारा मुझे गौशाला संचालन का काम दिया गया था, जबकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे द्वारा जब से मैं प्रभार पे आया तब से मैं ही ये जानता था कि मेरे द्वारा मेरे वर्तमान सरपंच और के द्वारा गौशाला संचालन का काम किया जा रहा है। जो भी होता है इसमें काम जो लेबर लगे उन वो कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता, केवल सरपंच को जानता हूँ। उसमें जो मतलब खाद वगैरह हटाने का काम किया जाता है वो सरपंच द्वारा किया जा रहा है। कभी कभी मतलब कोई घटना भी हो गई तो इसके द्वारा सरपंच द्वारा पूरा काम किया जा रहा है। कोई तार बाड़ी का काम, एंगल का काम, जो कभी झुक जाते हैं, पूरा काम सरपंच द्वारा किया। लेकिन आज उनका फ़ोन आया था, वो पैसे की मांग कर रहे थे कि मेरा मई जून जुलाई के पेमेंट आने वाली है, जिला सीओ कलेक्टर सर द्वारा आर्डर सीट जनरेट कर दी गई है, मेरी पेमेंट आप कर दीजिए। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, न मैंने आप कभी मेरे गौशाला में देखा 4-5 महीने से, आप न मुझसे कभी मिले। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा वर्तमान पूर्व सेक्रेटरी द्वारा मुझे आर्डर सीट मिली हुई है। सरपंच ग्राम पंचायत हिनौती जनपद पंचायत गौशाला का संचालन मैं स्वतः चला रहा हूँ। मुझे यह पता नहीं चला है कि पूर्व सरपंच ने शिवचरण तिवारी को दिए हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि ये कब दिए, कैसे किए। आज तक उन्होंने हमारे गौशाला में फिर के झांके नहीं, न देखने आए कि क्या हो रहा, कैसे हुआ। अब पैसा मांगते हैं, मैं उनका कार्य चला रहा हूँ, लेबर अपने तरफ से लगाया हूँ, तो वो कहते हैं कि मुझे पैसा दो, नहीं ऐसा करेंगे। ये सब लंद फंद की बातें कर रहे हैं।